हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन ट्यूटोरियल शो बिना क्लासेस। मैं प्रहलाद लेके आया हूँ आज आपके लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जिसको हमको पढ़ना है, बीएससी सेकंड ईयर के जूलॉजी का सेकंड पेपर। हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, एक वीडियो बचा हुआ है, तो चलिए आज देख लेते हैं इसी क्लास को कि क्या कह रहा है आज का क्लास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगातार हर एक यूनिवर्सिटी में कई साल के अंतराल पर, एक दो साल के अंतराल पर ये क्वेश्चन लगातार आते रहते हैं 10 नंबर में। तो 10 मार्क्स के लिए आज हम पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे कि जो हमारा टॉपिक कहता है वो 10 मार्क्स में क्या कह रहा है। हर एक पॉइंट्स को हम डिटेल तरीके से देखेंगे, तो चलिए आइए हम क्लियर करते हैं इसी छोटे छोटे पॉइंट्स को। सबसे पहले बात करें स्टूडेंट इनके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स की, या फिर कह ले कि हमको जो टॉपिक लिया गया है आप ऊपर देख पा रहे हो, इसका नाम होता है जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल, यानी जैव भौगोलिक वितरण, यानी कह सकते हो कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, उनका वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, तो उसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमको सही तरीके से देखना है। तो हम बात करेंगे इसके डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन ये बोलता है कि जो हमारे एनिमल और प्लांट्स होते हैं उनके बेसिस पे, एनिमल और प्लांट्स के बेसिस पे या उनके नंबर के बेसिस पे, स्पेशल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्पेशल जैव भौगोलिक वितरण, यानी जियो, जानना जो जियोलॉजिकल, या इसको जियोग्राफिकल कहते हैं, जियोलॉजिकल दूसरा हो जाएगा, इस चीज को याद रखना। कभी कभी स्पेलिंग में लोग मिस्टेक करते हैं, बट आपको नहीं करना है, ध्यान देना, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल कहा जाता है। यदि बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1857 में आकर एक सिद्धांत दिया, मतलब एक थ्योरी दिया। थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने 6 छोटे छोटे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन जोन डिवाइड किया, और उसी जोन के हिसाब से, ध्यान देना, उसी जोन के हिसाब से ये सारे के सारे जो हमारे यहाँ पे 6 जोन दिखाई दे रहे हैं, ये 6 जोन हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लेटर। तो स्लेक्टर नाम के साइंटिस्ट थे, तो स्लेक्टर ने स्पेशली इसी थ्योरी को प्रपोज किया था। उसके बाद ये एक नाम था A.R. ध्यान देना, A.R. बैलस नाम के साइंटिस्ट थे, जो 1878 मतलब 1876 में आए थे। इस समय इन्होंने क्या किया, जो पहले के सिद्धांत थे उसी सिद्धांत को वेरीफाई करते हुए सारे ऑर्गेनिज्म को एक सही तरीके से क्राइटेरिया दिया, और क्राइटेरिया के हिसाब से सबको डिवाइड कर दिया। तो आइए देखते हैं ये हमारे जो स्पेशल 6 जोन दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ये क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, इनमें कौन कौन सा एरिया आएगा, इन चीज को हमको देख लेना है कि पूरे वर्ल्ड की जो 6 स्पेशल एरिया हैं, इन 6 एरिया में कौन कौन सा पोजिशन किस किस देश के लोकेशन को इंडिकेट करता है। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे पैलेआर्कटिक, क्या करेंगे, पैलेआर्कटिक रीजन की बात करेंगे। तो पैलेआर्कटिक रीजन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हम इसको नंबर फर्स्ट कर लेंगे। तो नंबर फर्स्ट में पैलेआर्कटिक को जो रीजन कहता है ये कहाँ कहाँ होगा, जो ये रीजन हैं इस रीजन में संपूर्ण मतलब पूरा का पूरा यूरोप आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, जापान होगा, जापान के साथ अफ्रीका, उसके बाद जो उत्तरी सहारा है, जो सहारा का मरुस्थल एरिया है वो आ जाएगा, उसके बाद हमारा जो स्पेशल ईरान है, अफगानिस्तान इसके साथ साथ आ जाएंगे इसी एरिया में। तो पैलेआर्कटिक जो हमारा रीजन है, आप एक बार ध्यान दीजिएगा फिर से कि पैलेआर्कटिक जो फर्स्ट रीजन को कंप्लीट करता है वो ये करता है कि ये पूरा का पूरा यूरोप क्लियर करेगा, यूरोप के बाद चाइना, जापान, अफ्रीका, उत्तरी सहारा, साइबेरिया, ठीक साइबेरिया के साथ साथ ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तो ये सारा का सारा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं पैलियोआर्टिक रीजन्स को कंप्लीट करता है। वही बात करेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर की, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इथोपियन की बात कर रहा है। दूसरे नंबर पे हम बात कर ले इथोपियन रीजन, देखो जो इथोपियन रीजन कहता है वो ये कहता है कि ये पूरा का पूरा जो सहारा का मरुस्थल एरिया है, ठीक उसको कवर करते हुए दक्षिणी सहारा तक जाता है, और जो अफ्रीका है, पूरा का पूरा जो अफ्रीका है वो इसी रीजन में आते हुए हैं, और उसके साथ साथ जो हमारा दक्षिणी अरब होता है, दक्षिणी अरब के जो देश हैं वो स्पेशल इसी इथो जो हमारा पियन है, इथोपियन रीजन्स हैं, इसी को वो कंप्लीट करते हैं। यहाँ बात करेंगे नंबर थर्ड की, तो नंबर थर्ड में हम देखेंगे ओरिएंटल रीजन की बात करेंगे, किसकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको पढ़ना भी है, ध्यान दीजिएगा इस पे। जो ओरिएंटल रीजन्स होता है वो ही कहता है ये पूरा का पूरा जो हमारा दक्षिणी चाइना होता है, मतलब इसका साउथ पोल जो हमारा
और साउथ और ईस्ट का जो स्पेशली हमारा चाइना है वो कहीं ना कहीं इसी ओरिएंटल रीजन्स को कंप्लीट करता है। ठीक, और इसके साथ साथ क्या होता है, पूरा का पूरा जो श्रीलंका है, क्या है, श्रीलंका के, श्रीलंका कंप्लीट करता है। उसके बाद जावा है वो करता है, ब्राजील कर ले रहा है, फिलीपींस है, उसके साथ साथ हमारा जो इंडिया है इसी ओरिएंटल रीजन्स में इंडिया भी यानी भारत भी कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम चलेंगे चौथे नंबर के पास, तो ऑस्ट्रेलिया के जो एरिया है उनकी बात कर लेना, तो ऑस्ट्रेलियन की बात कर रहा है तो नंबर यहां पे 4 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन रीजन की बात करें, यहां पे ऑस्ट्रेलियाई रीजन की बात करें, तो ये सबसे अच्छा रीजन होता है यहां के। इसके अंतर्गत जो एलिबीज है, क्या है, एलिबीज और इसके साथ लगे हुए जितने भी आपके, चाहे मालदीव हो, क्या है, मालवा द्वीप समूह हो, ऑस्ट्रेलिया हो और न्यूजीलैंड हो, ठीक, उसके बाद पॉलिनेमिया है, ये सारे के सारे जो कंट्री हैं वो स्पेशल इसी ऑस्ट्रेलियन रीजन को कंप्लीट करती है। उसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे और नियार्टिक, क्या नियार्टिक, तो नियार्टिक जो रीजन है नंबर 5 को कंप्लीट करता है। तो नियार्टिक रीजन का मतलब होता है स्टूडेंट, ये जो उत्तरी अमेरिका होती है, मैस्को, क्या होता है, मैस्को होता है, मैस्को के साथ स्पेशली ये उत्तरी अमेरिका और जो हमारा ग्रीनलैंड होता है, क्या होता है, ग्रीनलैंड होता है, तो ये ग्रीनलैंड के साथ स्पेशल उत्तरी अमेरिका और जितने भी आर्कटिक, क्या होते हैं, आर्कटिक और रीजन्स होते हैं सबको ये, या आर्कटिक के जितने भी द्वीप होंगे, ठीक, उसको ये कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। कौन आएगा, स्पेशल न्यू आर्कटिक रीजन्स की बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अगले नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे न्यू ट्रॉपिकल की बात करता है, क्या करता है, नंबर 6 कहता है कि न्यू ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है। तो न्यू ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे, इसमें संपूर्ण क्षेत्र की पूरी पूरी जो दक्षिणी अमेरिका है वो आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा, मैक्सिको के साथ साथ जो मध्य अमेरिका है वो भी आ जाएगा, और इसमें सबसे अच्छा वाला एक कंट्री है मेरा वो आ जाएगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज स्पेशल न्योट्रॉपिकल रीजन, ये गर्म क्षेत्र होते हैं, यहाँ के जितने भी इंसान होंगे वो थोड़े सावले होते हैं, थोड़े काले रंग के होते हैं, जैसे आपने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को देखा होगा तो आपको महसूस हो जाएगा। वैसे मैं सबके बारे में पढ़ूंगा, बट जो मेन इंपॉर्टेंट है ओरिएंटल रीजन, मैं इसी को आज डिफाइन करके चलने वाला हूँ। ठीक, तो ये देखो हो गया, ठीक, इसमें आपने देखा क्या, दक्षिण अमेरिका के साथ साथ जो मैक्सिको है वो क्लियर करेगा और मध्य अमेरिका करेगा, अमेरिका जो हमारा अमेरिका के दो जोन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के साथ साथ जो मध्य अमेरिका है वो भी इसी एरिया में आते हैं, वहाँ के आदमी थोड़े सावले होते हैं, और वेस्ट इंडीज भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद गैलापागोस, क्या है, पेलागोस है, एक द्वीप है, वो भी इसी रीजन में आता है स्पेशल न्यू ट्रॉपिकल रीजन में। आखिर बात कर ले स्टूडेंट यहाँ पे मोर पॉइंट्स की, कि यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे ओरिएंटल रीजन्स की बात करेंगे, क्या करेंगे, ओरिएंटल रीजन हमको डीप में पढ़ना है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो भारत है, हम खासकर भारत के भौगोलिक स्थिति को देखेंगे और ये डील करेंगे कि जो भारत का पूरा पूरा एरिया है वो कैसा कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे देखो इंडियन आ गया है, तो इंडियन सब रीजन की बात करेंगे नंबर 1 पे। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो लेते हैं, इस चीज को आपको याद रहे, ध्यान देना है, जो पूरा पूरा ओरिएंटल रीजन होता है, ओरिएंटल रीजन में एशिया के लगभग सभी रीजन आ जाते हैं और यहाँ पे ट्रॉपिकल भाग आता है, ध्यान देना, ट्रॉपिकल भाग मतलब यहाँ पे हिंदी में शायद इसको उष्णकटिबंधीय कहते हैं, उष्णकटिबंधीय रीजन आता है, और इस पूरे पूरे मंडल में जो हमारा एरिया है, रीजन है, इसमें इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, ठीक, क्या होगा, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, उसके बाद श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, जावा, बिलिनिया, ओके, उसके बाद आ जाएगा फिलीपींस और दक्षिणी चीन, ठीक, ये सारे के सारे जो हमारे कंट्रीज हैं वो भी स्पेशली इसी ट्रॉपिकल रीजन यानी ओरिएंटल रीजन के ट्रॉपिकल रीजन को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद हम यदि बात करते हैं, ध्यान देना, इसके यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये देखते हैं कि इस जोन के ऊपर भी हिमालय की एक स्पर्श सीमा बनता है, यानी जो हमारा कहीं ना कहीं हिमालय है वो पूरे पूरे रीजन को कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा, यानी एक कह लो बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। और इसके जो दक्षिण ओर है, स्पेशल हम बात करें दक्षिणी सीमा पे, क्या है, श्रीलंका आ जाएगा, सुमित्रा आ जाएगा, बोर्नियो आ जाएगा, जावा द्वीप बनते हैं, और स्पेशल इन जो रीजन है ओरिएंटल रीजन है, हम इसको 4 छोटे छोटे डिवाइड में, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो आपके सामने यहां पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पे भारत के स्पेशली इसके उपक्षेत्र की, या भारतीय उपक्षेत्र यानी इंडियन सब रीजन की। तो नंबर 1 आप कर लीजिएगा यहां से, नंबर 1 आप कर लीजिएगा यहां पे इंडियन सब रीजन। तो ध्यान देना कि जो इंडियन सब रीजन है इसको हम भारतीय उपक्षेत्र के नाम
नाम से जानते हैं। और ध्यान देना, इस क्षेत्र में संपूर्ण की संपूर्ण जो उत्तरी ओर है, उत्तर मध्य भारत आता है, मतलब हम कश्मीर से लेकर स्पेशली जो मध्य प्रदेश का एरिया होगा, क्या होगा, मध्य प्रदेश का एरिया होता है, वो पूरा का पूरा इसी एरिया में आएगा। ध्यान देना, वो इसी एरिया में आता है, या इंडिया जो इंडियन सब रीजन है इसमें, ये भारत का जो उत्तरी सिरा है, यानी स्पेशल हम कह लें कि जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का स्पेशल, जैसे हम बात कर ले कश्मीर की, पंजाब की, हरियाणा की, यूपी, बिहार आ जाएगा इसी में, ठीक, बिहार का थोड़ा सा क्षेत्र आता है, और मध्य प्रदेश आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, ये पूरा हरियाणा आ जाएगा, ये पूरा पूरा जो एरिया है वो स्पेशल इंडियन सब रीजन में कंप्लीट करता है। और याद रखना, ये स्पेशल हिमालय की तराई, जो हिमालय के क्षेत्र है वहाँ से लेकर उत्तर पश्चिम के कश्मीर तक, और पश्चिम में, पश्चिम दिशा में स्पेशली सिंधु नदी तक, और दक्षिण में स्पेशल जो गोवा होता है, गोवा कर्नाटका के किनारे स्पेशल जो गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र की डेल्टा होती है, वहाँ तक फैला हुआ नजर आता है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो स्थली होते हैं, यानी जो इस ऊपर आने मेरा नहीं ऊपर सॉइल पे पाए जाने वाले जो जुधारी होते हैं, ठीक, वो जो होते हैं उसमें हमारे क्या आ जाएंगे, ध्यान देना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमको ढेर सारे वर्टिबेटा नजर आते हैं, खासकर कह ले वर्टिबेटा, यहाँ पे कॉरिडा कह सकते हो, डोंट वरी, आप कॉर्डेटा कहो, कॉर्डेटा के लगभग 123 स्पीसीज, ध्यान देना लगभग स्पीसीज तो लंबा हो जाएगा, फैमिली रख लो, 123 फैमिली पाई जाएगी, क्या होगी स्टूडेंट, 123 यहाँ पे फैमिली प्रेजेंट होगी इसी, किसका, स्पेशली कॉर्डेटा का, बस मैं बोल रहा हूँ कॉर्डेटा का 123 फैमिली यहाँ पे प्रेजेंट होगी। और इसमें हम बात करें तो ढेर सारे अलग अलग एनिमल नजर आते हैं, जैसे मोर की बात कर लो, वाइसन की बात कर लो, शेर की बात कर लो, और काला हिरन, समुद्र भारतीय सुअर जो होते हैं, पिक की बात कर लो, वो एलिफेंट की बात कर लो, ये सारे के सारे इसी रीजन को कंप्लीट करती हुई नजर आती है। उसके बाद नंबर 2 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे श्रीलंकाई आ जाएगा, तो श्रीलंकाई सब रीजन की बात करता है, तो श्रीलंकाई सब रीजन को हम देखते हैं, और इसमें ये डील करेंगे कि ये जो रीजन कंप्लीट करता है वो ये बताता है कि जो भारत का स्पेशल कर्नाटक का एरिया होता है, कर्नाटक का जो दक्षिणी भाग होता है, तथा कर्नाटक का जो दक्षिणी सिरा है और श्रीलंका द्वीप से मिलकर ये स्पेशल उप क्षेत्र का निर्माण करते, यानी सब रीजन का फॉर्मेशन करती हुई नजर आती है। और इस क्षेत्र में जो हमारे स्थली होते हैं, क्या होते हैं, स्थली होते हैं, उसमें 122 क्या होगा, 122 फैमिली पाए जाते हैं, क्या होंगे, 122 फैमिली यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे, उसमें 123 था, इसमें 122 फैमिली पाए जाते हैं। यदि बात करें 22 के साथ साथ इसमें जो रेप्टाइल्स है, क्या है, रेप्टाइल्स का स्पेशल हमारा क्लास होता है, यहाँ पे 7 सिल्ड टेल्स, क्या है, 7 स्पेशल सिल्ड टेल्स, तथा स्पेशल कुछ हमारे जो मैमल्स वर्ग है, मैमल्स क्लास होता है इसमें, और लेरिस, क्या है, लेरिस इस क्षेत्र के प्रमुख जंतु होते हैं। तो यहाँ पे सिल्ड क्या होगा, सिल्ड टेल्स, और जो हमारे मैमल्स का क्या है, स्पेशल यहाँ पे लेरिस है, वो इसके मेन एनिमल के फॉर्म में नजर आते हैं। वही बात कर ले नंबर 3 की, तो नंबर 3 क्या कह रहा है, इंडो चाइना सब रीजन की बात कर रहा है, नंबर 3 इंडो चाइनीज सब रीजन की बात कर रहा है। इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट, ये जो पूरा पूरा एरिया है वो उत्तर क्षेत्र, यानी जो हमारा स्पेशल नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ एरिया में एक चपटे से काफी पतला हिमालय की तली में कश्मीर से लगा होता है, और वो पूरा स्पेशल जो तालिबान है, क्या है, तालिबान तक फैला होता है, क्या होता है, तालिबान, एवं जो हमारा हैनान है, क्या है, हैनान है, हैनान द्वीप तक फैला होता है, ये चीज को आपको ध्यान देना होगा, ठीक। उसके बाद जो दक्षिण एरिया की बात करेंगे, जो हमारा मलव होता है, क्या होता है, मलव होता है, मलव और अंडमान जो द्वीप समूह है, वहां तक इंडो चाइना सब रीजन कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना। और यहाँ पे जो हमारे एनिमल होते हैं, क्या होते हैं, एनिमल होते हैं, वो काफी ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं, क्या मिलते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। यदि बात करें यहाँ पे हमारा जो स्थलीय कॉर्डेटा है, क्या है, स्थलीय कॉर्डेटा है, उसकी 138 स्पीसीज देखने के लिए मिलेगी, कितनी, 138 स्पीसीज देखने के लिए मिलेगी,
और इसमें जो मेन स्पीशीज आते हैं वो पोंडा आते हैं, आपने देखा होगा पोंडा आते हैं, टेकिन है, पोंडा है, टेकिन है, और उसके साथ साथ और कुछ एनिमल होंगे जैसे उड़न लंगूर लेमूर है, उसके बाद गैंडा, उसके बाद मलायन, ठीक क्या क्या मलायन तेपीर ऐसे, उसके बाद सेला सेलामेंडर, तो ऐसे कई नाम आते हैं जो इस इंडो चाइनीज सब रीजन को कंप्लीट करते हुए देखे जाएंगे। वहीं बात करेंगे नंबर स्पेशल फोर की, तो नंबर फोर में इंडो मलायन सब रीजन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इंडो मलायन सब रीजन जो दिखता है वो है मलय, जो हमारा द्वीप जो मलय द्वीप होता है, मलय द्वीप तथा जो हमारा सुमुत्रा है, क्या है सुमुत्रा है, और जावा है, उसके बाद बर्निया है, क्या है बर्निया है, फिलीपींस है, इनके साथ पाए जाने वाले जितने भी एरिया होते हैं वो इसी इंडो मलायन सब रीजन को कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब देखो यदि बात करते हैं यदि स्पीसीज की कि यहाँ पे जितने भी और पृथ्वी के ऊपर यानी स्थलीय कॉर्डेटा होते हैं उनका जो नंबर होता है वो 132 होता है। कितना होता है स्टूडेंट? 132 होता है। ये चारों नंबर मैं दिया हूं फैमिली का, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप कभी भी एमएससी एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ये आपके माइंड में नोट पॉइंट होना चाहिए। देखो स्टूडेंट अब बात करें इनमें कौन 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 से एनिमल होंगे, कुछ एनिमल के नाम तो शायद हमको ज्यादा पता नहीं, बट ले लो ठीक। यहाँ पे देखना कि यहाँ पे जो हमारे और क्या होंगे औरंग टन ना, यहाँ पे सॉरी उड़न लेमूर होगा, क्या होगा उड़न लेमूर होगा, गैडा पाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ढेर सारे ब्रोड होते हैं, ब्रोड बिल्स होते हैं, क्या होते हैं ब्रोड बिल्स होते हैं, और यहाँ पे ट्रूसूज होते हैं, क्या होते हैं ट्रूसूज, गिम्बन क्या हो जाएगा गिम्बन, जो गिम्बन है वो भी इसी एरिया में देखने के लिए मिल जाएगा। जब इतना क्लियर करने के बाद हम नोट कुछ पॉइंट देखे हैं यहाँ पे फिजिकल एंड स्पेशल क्लाइमेटिक फीचर्स की बात कर ले, जो हमने अभी तक पढ़ा स्पेशल यहाँ पे क्लाइमेटिक एरिया कैसा होगा, इस चीज को हमको देखना होगा कि जो हमारा ओरिएंटल रीजन्स हैं, क्या है ओरिएंटल रीजन्स हैं, इसमें क्लाइमेटिक एरिया कैसा होगा, वहां की भौतिक दशाएं कैसी होंगी, इस सबको ध्यान जानना होगा। देखो जो हमारा ओरिएंटल रीजन्स हैं, हमने बात किया अभी ओरिएंटल रीजन की बात करो, इस पूरे एरिया में जो हमारा जलवायु होता है वो एक स्पेशल लंबा जलवायु पाया जाता है, जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चेंज होता रहता है। बात करें ज़्यादातर एरिया यहाँ के ट्रॉपिकल होते हैं, हमने पहले बताया था कि ज़्यादातर एरिया यहाँ पे ट्रॉपिकल देखने के लिए मिल जाते हैं, बट भारत का जो एरिया है, भारत का जो उत्तरी एरिया है, उत्तरी एरिया है वो क्या है यहाँ पे वो ट्रॉपिकल नज़र नहीं आता है। हम बात करें वर्मा की, जो वर्मा है, वर्मा के साथ साथ स्पेशल जो भारत का पूर्वी एरिया है, चाहे वो इंडो चीन हो या फिर स्पेशल उत्तर पूर्व एरिया हो या एशिया का मात्रा हो, वहां पे स्पेशल जो वर्षा होती है वो काफी स्पेशल कम देखी जाती है, ऐसा नहीं बता सकते। आपने देखा होगा मिजोरम का जो एरिया है वहां पे काफी ज्यादा बारिश देखा जाता है, ठीक। तो ये आपको याद रहे कि जो हमारा स्पेशल उत्तर पूर्व भारत है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखा जाता है, जिसको हम इंडो चीन के नाम से जानते हैं, ठीक। यहाँ पे वर्षा की मात्रा काफ़ी होती है और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में ढेर सारे हमारे जंगल भी पाए जाते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ हम पश्चिम एरिया की बात करें तो पश्चिम एरिया में आप जानते हैं कि राजस्थान में क्या है, पूरा का पूरा हमारा बालू है, यानी वो मरुस्थली एरिया है, क्या है मरुस्थली एरिया है। और इसके साथ साथ इस प्रदेश, ये जो जोन है, इस जोन के जो हमारे जंतु होते हैं वो इथोपियन, ध्यान देना, इस जोन के जो जंतु होते हैं वो इथोपियन एरिया के, ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस जोन के जो जंतु होते हैं वो इथोपियन जोन के जंतुओं से काफी संबंध रखते हैं। क्यों नहीं संबंध रखेंगे, क्योंकि इसके बाद का जो एरिया होता है वो कहीं ना कहीं ओरिएंटल रीजन को ही तो कंप्लीट कर रहा है। इथोपियन के जो एनिमल होंगे वो ओरिएंटल रीजन के एनिमल के साथ मिलते हुए नजर आते रहते हैं, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। अब बात करें कुछ हम यहाँ पे स्पेशल फन्ना की, तो हमारे आस पास कुछ फन्ना आ जाएगा। हम फिशेस की बात कर लें, किसको बात करेंगे, फिशेस की बात कर लेंगे, यहाँ पे एम्फीबियस की बात कर लेंगे और रेप्टाइल्स की बात कर लेंगे, एबीज मैमल्स, मतलब जो हमारे कॉर्डेटा के मेन पांच फीचर्स हैं, हम इनको टेट्रापोडा के पांच फीचर्स को सही तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फन्ना होता क्या है।
ध्यान देना, पूरा पूरा जो ओरिएंटल रीजन होता है, ओरिएंटल रीजन के जितने भी एनिमल होते हैं वो इथियोपियन मंडल के काफी करीब होते हैं। हमने अभी बताया काफी करीब होते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, जो काफी करीब होते हैं इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है उनमें काफी समानता भी देखा जाता है, और इनके जो भौगोलिक भौगोलिक वितरण होता है या कह सकते हो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, तो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी काफी अंतर नहीं दिखाता है, लगभग बराबर होते हैं। बट यहाँ पे जो हमारा पहली क्या था, पहली और ट्रिपिकल रीजन था, तो पहली और ट्रिपिकल रीजन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे थोड़े से अंतर दिखाते हुए नजर आते हैं। क्या होते हैं? थोड़े से अंतर दिखाते हुए नजर आते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो हमारा पूरा पूरा ओरिएंटल रीजन हैं, यहाँ पे पाए जाने वाले जो एनिमल्स होंगे जो विलुप्त रूप हैं, मतलब विलुप्त, ये तो सारे के सारे हमने जो नंबर बताया अलग अलग, 123 यहाँ बताया, 122 यहाँ बताया, 138 यहाँ, 132 यहाँ, ये सारे के सारे लिविंग फैमिली की बात किया है। क्या भैया बात किया है स्टूडेंट? लिविंग फैमिली की बात क्या है, बट हम नॉन लिविंग की बात करते हैं, जो हमें जीवाश्म के रूप में, क्या जो हमें जीवाश्म के रूप में दिखाई दिए हैं या पाए गए हैं हम उनकी बात करें, या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं हम कुछ उनकी इंट्रोडक्शन यहां पे लेंगे। सर बात करते हैं स्टूडेंट, यहां पे हम पांच रीजन, क्या होगा यहां पे हम पांच रीजन को डिवाइड किए हैं, आपको दिख रहा होगा कि हम सबसे फिशेस की बात करेंगे, फिर एम्फीबियंस की बात करेंगे, फिर रेप्टाइल्स की बात करेंगे, फिर एवीज, फिर मैमल्स की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर के पास चलते यहाँ पे हम फिशेस की, ध्यान देना इस एरिया में पाए जाने जो मछलियां होती हैं वो क्या होती हैं, कार्प होती हैं, कैटफिश होती हैं, क्या होती हैं, कार्प होती हैं, कैटफिश होती हैं, ठीक, ये सारी की सारी मछलियां देखती हैं। बट यहां पे कुछ मछलियां, स्पेशली कुछ मछलियों के जो फैमिली होते हैं वो निम्नलिखित हो, जैसे यहां पे नेप्टो, क्या होगा यहां पे, सॉरी नेटो कर लो, नेटोटेरिडी, क्या हो जाएगा, नेप्टो नेटोपटोटेरिडी, उसके बाद एनाबैक्टिडी, ये आ जाएंगे, उसके बाद अलग अलग जो हमारे यहाँ पे कार्बी, क्या हो जाएगा, स्पेशल कॉबी, कोबी या कह सकते हो कोबिटाइटी, कोबिटाइडी, तो कोबिटाइडी जो नाम है वो सारे के सारे नाम इसी फिशेस को कंप्लीट करता है। इसके जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो कार्प और कैटफिश आते हैं। यदि बात करते हैं एम्फीविया की, क्या करेंगे एम्फीविया की, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो एम्फीविया थे उनमें पूछ नहीं पाया जाता, यानी टेल पोजिशन नहीं था। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो बूफो, क्या जाएगा, बूफोनीड्स आ जाएगा, बूफोनीड्स और रेनीड्स, रेनिड्स, उसके रैको, क्या जगह, रैको फोरिडिस, ठीक, ऐसे कुछ नाम हैं, ये सारे के सारे नाम इसी एरिया में आते हैं। वैसे मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक। और उसके बाद हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं, तो रेप्टाइल्स में हमको देख जाता है यहाँ पे ढेर सारे जो रेप्टाइल्स हैं वो अलग अलग टेरिटरी में जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो सर्फ होते हैं, कछुए होते हैं, छिपकली होती है, वो बहुत अधिक मात्रा में देखने के लिए मिल जाते हैं। जो कछुए में स्पेशल जो क्या होता है, एमिडोन होता है, क्या होता है, एमिडोन, उसके बाद टायो, क्या होता है, टारियो होता है, टायो, टायोनिकिड्स, उसके बाद ऐसे कुछ अलग अलग नाम हैं जो लीजा, क्या जगह, लीडार्स, ऐसे अलग अलग रोका, ऐसे नाम आ जाएंगे जो, ठीक। सर्पों की बात करें तो यहाँ पे वाइपर, उसके बाद वाइपर के साथ साथ यहाँ पे जो हमारे स्पेशल अलग अलग नाम है, सलो मैं बता दे रहा हूँ, ज्यादा नाम कब तक बोलता रहूंगा, ठीक। अब देखो इसके साथ साथ हमको ये दिखता है कि जो हमारे पूरे पूरे एबीज होते हैं, एबीज में अलग अलग कई नाम देखने के लिए मिलेंगे, क्या देखेंगे, एबीज में हमको कई नाम देखने के लिए मिल जाएगा। बात करेंगे यहाँ पे एबीज की, तो एबीज की जो नंबर है वो लगभग, इसकी जो फैमिली होती है लगभग 66 फैमिली, क्या ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे लगभग 66 फैमिली होती है, और इस चीज को ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इसी को पूछता है। तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 66 फैमिली यहाँ पे प्रेजेंट होगी, और इस फैमिली में अधिकांश लगभग 43 जो फैमिली होती है, मतलब कितनी यहाँ पे 43 फैमिली होगी, वो दूर दूर तक, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक क्या होती है, उड़कर जाती रहती हैं, क्या करती हैं, उड़कर जाती रहती हैं। और इसमें जो स्पेशल तीन फैमिली है, थर्ड फैमिली क्या करती हैं, वो स्पेशली यहाँ पे ध्यान देना इफे, क्या ध्यान देना, यहाँ पे इथियोपियन यानी इथियोपियन रीजन में जाती हैं, और जो स्पेशल पांच फैमिली होती हैं वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन रीजन तक जाती हुई नजर आती हैं। और इनमें मोर, क्या देना, मोर केवल भारत में ही मिलता है, ध्यान देना, जो हमारा मोर है इसलिए इसको राष्ट्रीय पक्षी भी कहते हैं, मोर, हमारा जो पिकॉक है वो केवल इंडिया में पाया जाएगा, इंडिया के बाहर इसको नहीं देखा जा गया है अभी तक, ठीक। कभी कभी अब लोग उठा के लेकर चले जाएंगे तो उसके लिए हम तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक, बट नहीं जाने देंगे क्योंकि मेरा राष्ट्रीय
स्पेशल वो बच्चे मतलब स्पेशल नेशनल एविज के फॉर्म में आएगा। ठीक, उसके बाद यदि बात करते हैं तो यहाँ पे ढेर सारे हमारे अनेक संदेश वाहक जीव मिलते हैं, जैसे कबूतर की बात कर लो। ठीक, तो कबूतर की अलग अलग जो स्पीसीज हैं वो आपको मिल लेंगी। उसके बाद हुप्स आ जाएगा, क्या जाएगा, हुप्स आ जाएगा, उस हुप्स मधुभोजी। ठीक, उसके बाद शकरखोरी, क्या शकरखोर इसको कहते हैं। उसके बाद फिंचे, क्या जाएगा, फिंचे, ये काफ़ी संख्या में मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक, किसमें स्पेशल, इसी एविज की बात करो। यदि मैमल्स की बात करते हैं तो मैमल्स में यहाँ पे चार जोन होते हैं, क्या होते हैं, चार जोन होते हैं, जहाँ पे बंदर के साथ साथ अलग ढेर सारे हमारे ओरिएंटल रीजन्स में एनिमल देखे जाएंगे, चाहे वो भाला हो, भालू हो, चाहे बंदर हो, चाहे हाथी हो। ठीक, उसके बाद चाहे अलग अलग हमारे भारतीय हाथी हो, मलयन हो, क्या हो, मलयन हो, तिप्पर हो। ठीक, ऐसे ढेर सारे नाम देखने के लिए मिल जाएंगे, हम लोग खुद ही तो इसी जगह पाए जाते हैं। और जैसे और स्पेशल जो लंगूर हैं, ठीक, वो भी पाए जाएंगे। उसके बाद शेर कुछ पाए जाएंगे, उसके बाद चीते होंगे, तेंदुआ होगा, ये सारे के सारे जो स्पेशल एनिमल होंगे वो इसी मैमल्स को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आते हैं। ठीक, तो मैंने क्या किया स्टूडेंट, छोटे छोटे टॉपिक को डील किया। आपके 10 मार्क्स अब तक कंप्लीट होते हैं, तो मिलते हैं नए वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।